सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, मैं आज आपको धनिया की पंजीरी बनाना बताऊंगी जो जन्माष्टमी में बनाई जाती है स्पेशल और व्रत में जो है लोग खाते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। ये जो है ये धनिया है एक कटोरी, एक कटोरी ये चीनी है और ये आधा कटोरी से ज़्यादा है थोड़ा सा घी, ये मखाना है, काजू, बादाम, गरी, चिरौंजी, ये तुलसी के पत्ते हैं। आइए हम बनाते हैं पंजीरी। पहले हम थोड़ा सा घी डाल के मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो मेवे हमने रखे हैं पंचमेवा, उसको जो है फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा घी गरम करके। बहुत ज़्यादा घी हमको गरम नहीं चाहिए, जब थोड़ा सा गरम हो जाएगा तब हम इसको फ्राई करेंगे। अब घी गरम हो गया, अब इसको पहले हम गरी को, ये मैंने छोटा छोटा काट लिया है, आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। हल्का सा जब ब्राउन हो जाए हल्का सा बस निकाल लेना है 2-3 सेकंड में। गरी हो गई थी मैंने निकाल लिया, अब काजू बादाम ऐसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करना है। धनिया की पंजीरी अधिकतर ये प्रसाद में ही जो है बनती है, जन्माष्टमी के प्रसाद में इसको लोग बनाते हैं। अब मखाना में बना लेंगे, इसे फ्राई कर लेंगे, इसको भी बहुत ज्यादा नहीं करना है, मीडियम आंच पे। अब इसी में थोड़ा सा और घी डाल के हम धनिया को भी भून लेंगे एकदम धीमी धीमी आंच पे। आप खड़ी धनिया भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ये तीसी धनिया ली, आप खड़ी धनिया पहले भून लीजिए घी में, फिर उसके बाद ठंडा करके थोड़ा सा और उसको पीस सकते हैं। तो आप चाहे पीसी धनिया लीजिए या खड़ी धनिया, जैसा भी आपके पास घर में हो। अब इसमें देखिए बहुत अच्छी खुशबू आने लगी धनिया में, जब थोड़ा सा घी और डाल दे रहे हैं। धनिया में से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है, तो हमारी धनिया भून के तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे। ये धनिया भून गई है, अब इसको मैंने निकाल के ठंडा करने के लिए रख दिया। तब तक मैं ये मेवा जो है छोटे छोटे काट ले रही हूँ। ये मखाने देखिए कितने खुसखुस हो गए हैं, इनको हम ऐसे फोड़ भी सकते हैं। ये देखिए ऐसे फूट जा रहे हैं, इनको हम फोड़ भी सकते हैं या तो आप छोटे छोटे काट सकते हैं या तो मिक्सी में पीस भी सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमको काजू और बादाम को भी ऐसे छोटा छोटा काट लेना है। ये देखिए मैंने सारे मेवे काट लिए हैं, ये काजू बादाम ये काट लिया है और ये तो कटा ही था। इसको आप जैसा भी लेना चाहें, चाहे कद्दूकस किया हुआ, और इसको भी आप पीस सकते हैं या तो ऐसे खड़ा फोड़ भी सकते हैं। तो जब खड़ा खड़ा मुंह में आता है तो अच्छा लगता है पंजीरी खाने में, तो इसलिए मैंने ऐसे पीस खड़ा खड़ा थोड़ा सा फोड़ लिया है। अब हम इसको पंजीरी में मिलाएंगे। हम ये सारे मेवे पंजीरी में मिला देंगे, चिरौंजी, गरी, मखाने, काजू, बादाम सारे मेवे मिला दिए। थोड़ा सा बचा लेते हैं ऊपर से डालने के लिए, और इसमें आधा कटोरी चीनी डाल देंगे
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया और ये धनिया की पंजीरी तैयार है। आप भी ये बनाइए और कैसा लगा ये कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा।